किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से नमस्कार और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको ढेर सारी जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में रबी फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू। एंथ्रेक्स से बचाव के लिए अपने पशुओं को दिलाएं टीका। लतेदार सब्जी फसल में लाही कीट के लिए नियंत्रण के लिए करें रोगर दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में वर्ष 2014-2015 के लिए रबी फसलों के बीमा के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसान गेहूं, राई, सरसों, चना, आलू, मटर और मसूर फसलों की बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए किसान अपने नजदीकी सरकारी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2014 है। गुमला जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा गुमला के सभी पशुपालकों को सूचित किया जाता है कि जिला सिमडेगा में एंथ्रेक्स फैलने की संपुष्टि हो चुकी है। यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। पशुओं में इसका प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पेट फूलना, कांपना और अचानक मृत्यु हो जाना है। मृत्यु के बाद पशुओं के नाक, कान, मुंह और मलद्वार से खून निकलता है। पशुपालक पशुओं में ऐसे लक्षण देखे तो फौरन नजदीकी पशु चिकित्सक को इसकी सूचना दे और उनके निर्देश पर मृत पशुओं को दूर क्षेत्र में गड़वा दे। सिमडेगा जिला से सटे प्रखंडों में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। सभी पशुपालक भाई अपने पशुओं को जरूर टीका दिला दे। अगर लतेदार सब्जी फसल में लाही कीट का प्रकोप हो तो सबसे पहले कीटग्रस्त हिस्सों को तोड़कर जला दें या खेत से दूर भूमि में गाड़ दें। उसके बाद रोगर या कॉन्फिडोर दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। लतेदार सब्जी फसलों में लगने वाले लाही कीट हरे काले रंग के छोटे छोटे और चिपचिपे कीट होते हैं। ये पौधों के पत्तियों, कोमल डंठलों, फूलों और फलों के रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। अत्यधिक आक्रमण की स्थिति में उपज को भारी नुकसान होता है। आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं लाही कीट के नियंत्रण के उपाय। किसान भाइयों, अगर आपके लतेदार सब्जियों में लाही कीट का प्रकोप हो रहा है तो इसकी जो आरंभिक अवस्था है उसमें जहां पे लाही लग रही है उस लाही ग्रसित भाग को तोड़ करके नष्ट कर दें। अगर इसके साथ में अगर ज़्यादा लाही का प्रकोप हो गया है तो उसके लिए कॉन्फिडोर 1 ml को 3 लीटर पानी में या रोगर को 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके इसका एक छिड़काव करें। यदि इनके साथ में आप घर में नीम का जो बीज है उसका नीम सीड करनेल का जो एक्सट्रैक्ट है उसका 5% का एक छिड़काव करने से ये कीट पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। जो किसान अभी सब्जी फसल मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए मिर्च की मुरझा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। ये किस्में कौन सी हैं, आइए जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। मिर्च के लिए हमारे पास 2 प्रजातियां हैं जो कि मुरझा रोधी है। पहली प्रजाति है स्वर्ण प्रफुल्या और दूसरी प्रजाति है काशी अनमोल। इन दोनों प्रजातियों को आप अपने खेती में इस्तेमाल करें तो उसमें मुरझा रोग नहीं आएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। किसान भाई अपने कृषि यंत्र सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की मदद से अनाज वर्गीय फसल या तिलहनी फसलों को काटने और कटी फसल को कतारबद्ध तरीके से जमीन पर रखने का काम कर सकते हैं। ये इंजन से चलने वाली मानव चलित यंत्र है जिससे 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह।
सबसे बड़ी दिक्कत किसान भाइयों को पौध उपलब्ध की उपलब्धता के ऊपर आती है। हम लोगों ने स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और तीनों किस्मों के पौधों को यहाँ तैयार किया है प्लास्टिक की थैलियों में। अभी पौध एकदम लगाने लायक है। जो भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं हमारे केंद्र पे, यहाँ अनुसंधान केंद्र पे आकर के, जो कि रांची से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ये तीनों किस्मों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं और परवल की खेती कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4100 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7100 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6100 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकातों की कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया आपको। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन झुमकी बहन यहाँ पर लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो क्या इरादा है गंजू भाई? इरादा तो बिल्कुल नेक है जुम की बहन। जानकारियों का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू कीजिए। तो आज हम जानकारी देने जा रहे हैं किसान भाइयों को। क्या जानकारी है? कुछ जाड़े के दिनों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, जाड़े का दिन बिल्कुल आ चुका है और जाड़े के दिनों में हम फल बागों की देखभाल कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है जाड़े के दिनों में फल बागों की उचित देखभाल के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो पुराने फल बाग हैं उनकी उचित देखभाल वो किस प्रकार करेंगे। किसान भाइयों, जाड़े के दिन में जैसे नए फल बाग अगर लगाते हैं तो उसका देखभाल कुछ अलग तरीके से होता है पुराने फल बाग का अलग तरीके से। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है
वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होती है तो उस समय किसान भाइयों को करना क्या चाहिए कि जो नया फल बाग है उसके चारों तरफ से ड्रेन पानी निकास का चारों तरफ पेड़ के चारों तरफ कुदाल से खोल करके उलट करके मिट्टी को उलट देने के बाद चारों तरफ से बेड नाली टाइप का बना दें सबसे पहले, जिससे कि पानी ज़्यादा दिन तक रुके। उसके बाद बरसात खत्म होने के बाद फल बाग में साल में दो बार खाद देनी चाहिए पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छी उपज के लिए, जो कि किसान भाइयों इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पहला जैसे वर्षा शुरू होने के पहले और दूसरा बार वर्षा खत्म होने के तुरंत बाद, तो तुरंत बाद मिट्टी को हल्का कर देंगे। मिट्टी को हल्का करने के साथ नाली बना देंगे, उसमें कम से कम अगर एक साल का जो एक साल का पौधा है तो उसमें 1 से 2 किलो भर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद 10 से 15 किलो गोबर का खाद, यूरिया 100 ग्राम, पोटास 100 ग्राम और सल्फर 100 ग्राम, ये सब मिला करके उसमें मिला देना चाहिए। मिला देने के बाद फिर पानी जैसे ही जैसे ठंडा बढ़ने लगा, ठंडा बढ़ते बढ़ते पानी जो है सो मिट्टी में देनी चाहिए। दे देने के बाद जैसे और चारों तरफ से एक ठंडा से बचाव के लिए चारों तरफ से उसमें लकड़ी गाड़ करके और ऊपर से कुछ ढक देना चाहिए कि जो ज़्यादा ठंडा पड़े उसका डायरेक्ट पौधा पर प्रभाव नहीं पड़े। एक ह्यूमिसेल नामक दवा आती है या ह्यूमिक एसिड, जो कि जड़ में महीना में कम से कम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल करके और पेड़ जड़ के चारों तरफ उसका छिड़काव करते रहें। जड़ में भी दे सकते हैं और पौधा पर भी छिड़काव उसका कर सकते हैं। तो एक तो और उसमें पानी का हर 8 या 10 दिन के अंतराल में पानी देनी चाहिए, जिससे कि ठंडा का प्रकोप नए फल बाग में नहीं पड़ेगा। पानी देने से मिट्टी का मृदा का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, जिससे कि पेड़ पर प्रभाव ठंडा का कम पड़ेगा। दूसरी जो पुरानी जैसे जैसे पुराने होते जाता है फल बाग 2 साल 3 साल का हो गया तो ऊपर से जितना ब्रांच है उसी के आकार का ठीक नीचे चारों तरफ से 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोद लेंगे। गड्ढा खोदने के बाद उसमें से जो मिट्टी निकला है, अगर 3 साल 4 साल का पेड़ है तो उसी हिसाब से उसमें पोषक तत्व का कम से कम गोबर का खाद उसमें 30 से 40 किलो, 3 साल का है, 5 साल का है तो 50 से 60 किलो करें, अगर 7-8 साल का है तो 1 क्विंटल तक का करें। लेकिन उसी रिंग जो बनाए हैं चारों तरफ पेड़ के चारों तरफ रिंग बना करके जो मिट्टी निकला है उसमें गोबर का खाद पहले मिला दें। मिलाने के बाद करंज का खल्ली प्रति गड्ढा 1 से 1.5 किलो दें। उसके बाद दीमक का जो दवा है क्लोरोपाइरीफॉस उसके लिए दें। एक जिंक सल्फेट पाउडर आता है, जिंक सल्फेट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम, जो अगर 2-3 साल से ऊपर का है तो उसमें 50 से 100 ग्राम, अगर 2 साल से नीचे का है तो 25 से 30 ग्राम या 25 से 50 ग्राम तक साल में एक बार कम से कम जरूर देनी चाहिए। और वो जितना पोषक तत्व तो गोबर का खाद, करंज का खल्ली, चूना, जिंक सल्फेट, क्लोरोपाइरीफॉस एक साथ मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने के बाद जो चारों तरफ रिंग हम पेड़ के चारों तरफ रिंग बनाए हैं, जो कि 1 से 1.5 फीट गड्ढा है, उसी में उसको फिर हम भर देंगे। भर देने के बाद चारों तरफ भर देंगे, भर देने के बाद जो रिंग के अंदर का मिट्टी है उसको थोड़ा हल्का कर देंगे, क्योंकि फल बाग का पेड़ जो होते हैं उसमें 2 तरह का जड़ होती है। एक जड़ जो है वो नीचे जाती है जो कि पेड़ को सीधा रखती है, और दूसरा एक सतह पर जो सरफेस पर पेड़ के चारों तरफ जड़ होता है, जो कि उससे कि उस जड़ से पौधा पोषक तत्व मिट्टी से लेता है। इसीलिए सतह पर ही फल बाग में जहाँ तक वो जड़ जाती है वो सतह तक ही देना चाहिए, जिससे कि पेड़ को फल बाग को ज़्यादा फायदा होगा।
उसके बाद जैसे ही इसमें कटिंग भी कुछ कैनोपी मैनेजमेंट, जैसे जो एक ब्रांच में जा एक ब्रांच मेन ब्रांच है उसमें अगर ज़्यादा डाली हो गया है तो उसको दो तीन को छोड़ के सबको काट देना चाहिए सब में, जिससे कि पेड़ एकदम चारों तरफ से गोल होगा। और ये नीचे भी देखना है कि जहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है और उसके नीचे से भी कोई दूसरा ब्रांच नहीं निकले उसको भी तोड़ देना है। ये सब बराबर देखना, साल में कम से कम दो बार करना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे कि फल जल्दी से जल्दी फलने लगे और पेड़ जो है सो अच्छा स्वस्थ हेल्दी पेड़ हो, स्वस्थ हो और ज़्यादा प्रोडक्शन अधिक उपज के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई खास करके फल बाग में, सब्जी में तो बहुत खाद थोड़ा देते हैं लेकिन फल बाग में जो फल लगा फल का बाग लगाते हैं उसमें खाद नहीं देते हैं। खाद उनको हर साल देना चाहिए, हर साल जैसे एक साल का पेड़ है तो एक साल के पेड़ में अगर 100 ग्राम दे रहे हैं तो फिर दूसरा साल जो है सो 200 ग्राम देंगे, तीसरा साल 300 ग्राम देंगे, चौथा साल 400 ग्राम देंगे, पाँचवा साल 500 ग्राम देंगे। खास करके ठंडा के दिन में उसमें पानी ज़्यादातर, जितना नमी रहेगा उससे पेड़ पर ठंडा का प्रभाव कम पड़ेगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी फल बागों की उचित देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ फल का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सकता है और काफी संभावनाएं हैं फल बागों की जी। और ऐसे में किसान भाइयों को उसकी देखभाल की जरूरत तो पड़ती ही है और खास करके जाड़े के मौसम में। तो ये जानकारी तो हमने किसान भाइयों को उपलब्ध करा दी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ होगा। लेकिन किसान भाइयों, हमारे पास और भी जानकारी है, लेकिन उस जानकारी से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम और दिखाएंगे आपको एक संदेश। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रख कर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ जी हाँ, आपको भी इंतजार है बुधना का और हमें भी इंतजार है बुधना का। आते ही होंगे, खबर भिजवाए हैं ना? बिल्कुल, अरे खबर भिजवाए हैं। और बुधना देखिए आज ही। अरे बुधना, क्या हाल चाल? ठीक है अर्जुन। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? एकदम टनाटन है। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? देखिए खेती है जून करते हैं, वो भी टनाटन एकदम। अच्छा, अब ये बताओ कि भाई धान का कटाई बटाई तो एकदम? देखिए धान का कटाई तो दादा हम करवा लिए। हाँ। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि रवि फसल दलहनी का कैसे खेत उत बनाए, का करे उसके बारे में जून बता देते तो। रवी फसल दलहनी फसल। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात तुमने पूछी है और किसान भाइयों को भी इस पर जानकारी चाहिए झुमकी बहन, कि अभी दलहनी फसल जो रबी के मौसम में लगाएंगे हमारे किसान भाई, तो उसकी हम बुआई कैसे करें, उसकी खेत की तैयारी कैसे करें, यह तमाम जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए आज लेकर भी आए हैं। बिल्कुल, और जानकारी देने के लिए हाजिर है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार जी। तो आइए फटाफट लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं रबी दलहनी फसलों के किस्मों के चुनाव और उसके खेत की तैयारी के विषय में। रबी फसलों में अभी कौन कौन सी फसल किसान भाई लगाएंगे? रबी का मौसम आ गया है और दलहनी फसलों में हम तीन फसलों का मुख्यतः चुनाव करते हैं। एक तो चना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है दलहनी फसलों में, या हम खरीफ की बात करें या रबी की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। दूसरी जो फसल है वो मसूर है और तीसरी मटर। ये तीन फसलें हमारे प्रदेश में ज़्यादा ली जाती हैं और मटर चूँकि हमें सब्जी के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है उसकी छीमी को, तो जल्दी हमारे किसान भाई लगाते हैं। तो ये तीन फसलें मुख्यतः हमारे रबी दलहनी फसल में, ये हमारे प्रदेश में लगाई जाती हैं जी।
सर ये बताएं कि ये जो रबी दलहनी फसलें जो अभी लगाएंगे किसान भाई, तो इसके लिए खेत की तैयारी वो कैसे करेंगे, इसके विषय में आप बताएं। किसान भाइयों, जैसे आपका खरीफ का खेत जैसे ही खाली होता है, तुरंत नमी को बचाते हुए, तुरंत की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो नमी आपके खेत से ख़त्म हो जाएगी, तो नमी को देखते हुए आपको तुरंत उसकी जुताई करनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरा करके तुरंत पाटा चलाना चाहिए। पाटा चलाने से ये होगा कि जो नमी है वो संचित रह जाएगी। बहुत आवश्यक है कि उसमें आप गोबर की सड़ी खाद दें। सड़ी खाद अगर नहीं देंगे तो फिर दीमक की समस्या आएगी। सड़ी खाद बड़ा ही आवश्यक है उसमें। तो आपको जो भी रासायनिक खाद है, अगर आप दलहनी फसल की बात अभी हम कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी चाहिए होता है, अगर सल्फर की आवश्यकता भी होती है क्योंकि दाना हमारा पुष्ट होता है। तो ऐसे में हमको ये भी इंतजाम करना होगा कि जो भी इसमें रासायनिक खाद की जो मात्रा दी जाती है, करीब 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 20 से 25 किलो पोटास दी जाती है, और कोशिश ये करें कि हम जो DAP ना दे करके SSP दें ताकि सल्फर की जो ज़रूरत है वो हमारे फसल को मिल जाए। एक तो दीमक से ही बचाव करना है। दीमक से बचाव के लिए अभी लिंडेन धूल, अब खेत आप तैयार करेंगे उसमें आखिरी जो जुताई करेंगे उस समय एकड़ में 10 किलो लिंडेन धूल भी उसमें डाल दें। आप गोबर की सड़ी खाद डालें, आप राइजोबियम कल्चर से आप इसको उपचारित भी करें बीज को। बीमारी से बचाने के लिए आप बेबस्टीन है जो फफूंदी नाशी है, जिसको कार्बेंडाजीम कहते हैं, उसमें कई तरह के दवाएं आती हैं अलग अलग नाम से, बेबस्टीन बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैं बेबस्टीन की बात कर रहा हूँ। तो एक किलो बीज के लिए 2 ग्राम बेबस्टीन से बीज को उपचारित करें। खेत की तैयारी में जो हमने बात कही है वो गोबर की सड़ी खाद, आप दीमक की समस्या के लिए लिंडेन और रासायनिक खाद। रासायनिक खाद हमारे किसान भाई नहीं दे पाते हैं, उसको देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये हो गई खेत की तैयारी के विषय में बात। अब आगे किसान भाइयों को ये बताइए कि रबी दलहनी फसलों के जो अनुशंसित किस्म है, हाँ जी, इसके विषय में आप जानकारी दें। हाँ, ये बड़ा आवश्यक पहलू है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सा किस्म वो लगाए हैं, कौन सा किस्म हमारे प्रदेश में अच्छा करता है। हमारे यहाँ से निकाली गई एक किस्म है बिरसा चना 3, वो बहुत अच्छी किस्म है। पूसा 372, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, और ये खास करके देरी से बुआई के लिए बहुत अच्छी किस्म है। अगर खेती करने में देरी हो जाती है किसान भाइयों, तो आप पूसा 372 लगा सकते हैं। इसके अलावा KPG 5969 एक किस्म है जो बहुत अच्छा करती है हमारे यहाँ, ये देर और समय से लगाई जाती है। तो अगर आप चना की खेती करना चाहते हैं तो देसी चना की खेती, तो इन्हीं किस्मों को आप लें। अगर आप काबुली पे जाना चाहते हैं, काबुली चना पे जाना चाहते हैं, तो काक 2 एक बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन उसमें सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको जब काबुली लगाना होगा तो नमी खेत में आवश्यक है, ज़रूरत पड़े तो आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी लगाने से ठीक पहले। बाकी देसी चने में कहीं सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो उन्नत किस्म जो आपने बताया, हाँ, मैं सिर्फ अभी चना का बता पाया हूँ, मैं मटर और उसका भी बताना चाहूँगा। मसूर में आप PL 406 पंत लेंटिल 406 406 और 639 639 639 ये दो किस्में बहुत अच्छी किस्में दाने। और मसूर में बताऊंगा कि किसान भाई छोटे दाने पसंद करते हैं, अगर कोई किसान भाई बड़े दाने चाहेंगे तो DPL 62 उनको लगाना चाहिए, DPL 62। किसान भाई अगर आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो मालवीय मटर 15 या DDR 23 ये बहुत अच्छी किस्म है। पूसा प्रभात ये बहुत अच्छी किस्म है। इन 2-3 किस्मों को ही आपको लगाना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रदेश में इसकी बहुत अच्छी उपज होती है, इसमें बीमारी कीड़े मकोड़े की समस्या कम होती है। तो इन्हीं का अभी इंतजाम करने की ज़रूरत है। अभी रबी फसल में अभी आपके पास 10-15 दिन समय है, तो आप सुनिश्चित करें, इन किस्मों का इंतजाम करें और इनको खेत तैयार करके तुरंत लगाएं। जी, चुनाव कर ले कि कौन सा लगाना है। जी जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब वो रबी दलहनी फसलें जो उन्नत किस्में आपने बताई किसान भाई हमारे लगाएंगे, तो उसको लगाने में क्या सावधानी बरतेंगे किसान भाई? जैसा हमने चर्चा के दौरान कहा, एक बीज दर बड़ा आवश्यक होता है, सही बीज दर लगाएं। जैसे अगर हम बताते हैं कि देसी चना में
एक हेक्टेयर में 70 किलो बीज चाहिए। अगर आप मसूर लगाते हैं तो 30 किलो प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए। तो बीज दर बहुत जरूरी है ताकि खेत में सही पौधे की संख्या होगी, उपज प्रभावित नहीं होगी। साथ में जो मैंने अन्य बातें कही है, चाहे वो रासायनिक उर्वरक की बात हो, बीजोपचार की बात हो, राइजोबियम कल्चर की बात हो या रासायनिक खाद देने की बात हो, तो इनका इंतजाम हमारे किसान भाई को करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज वो प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको रबी दलहनी फसलों के विषय में उसके उन्नत किस्म और उसकी उपज को कैसे आप बढ़ाएं, खेत की तैयारी कैसे करें, इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। इस अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। नमस्कार। तो झुमकी बहन, काफी अच्छी जानकारी थी, क्यों? हाँ, बहुत अच्छा जानकारी था जून। अब तुमको समझ में आया ना कैसे बात करना है? हाँ, तो और बताओ। और अब ना अब जाएंगे घर, आईएमडी पुणे भी जाना है। तो चलिए आप सबको लिए चलते हैं आईएमडी पुणे, कुछ जानकारी वहाँ से भी ले लें। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान साफ रहेगा, हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। वैसे खेतों में जहां धान फसल 15 दिनों के अंदर काटने लायक हो तथा खेत में पर्याप्त नमी हो, तो विभिन्न रबी फसलों के बुआई यथाशीघ्र करें। जो किसान असिंचित गेहूं लगाना चाहते हैं वो 50 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से लगाएं। जो किसान तीसी फसल लगाना चाहते हैं वो बुआई में 7 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। तो आईएमडी पुणे से भी हमें जानकारी मिल गई, क्यों? अब जानकारी तो मिल गया, मगर पता जून बता दीजिए। ठीक है, दादा लोग नहीं होगा। हाँ, कि दादा लोग खत लिखे। आज तो बुधना को घर जाने की जल्दी है। तो चलिए फटाफट हम अपना पता बता देते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि वो अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेज सके। तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।